हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 5-6 जनवरी के करंट अफेयर्स, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आपका जो क्लर्क का एग्जाम है, आईपीएस क्लर्क का, वो 19th को है, 19 जनवरी को। तो फ्रेंड्स, मैं मोस्ट प्रोबेबली आज वीडियो डाल दूंगा जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट, और वो होंगे आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 3 महीनों के होंगे, और दिसंबर के मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट दे सकते हैं वीडियो में, मेरे चैनल पर जाके। प्लेलिस्ट का नाम होगा दिसंबर सीए के नाम से। तो पूरे दिसंबर के करंट अफेयर उसमें मिल जाएंगे, आप दिसंबर के करंट अफेयर वहां से दे सकते हो। और बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डाल दूंगा आज, मोस्ट प्रोबेबली आज मैं डाल दूंगा रात तक। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो देखना आप मत भूलिएगा, क्योंकि आपको उसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको आईपीएस क्लर्क में डेफिनेटली मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज ओपन इट्स फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन विच स्टेट। तो फ्रेंड्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने अपनी पहली सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खोला है, तो हमें बताना है कि वो कौन से राज्य में खोला है। तो ये खोला है गुजरात में। गुजरात की बात करें फ्रेंड्स, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपानी जी, विजय रूपानी। नेक्स्ट वन इज, पी एच पिंडियन, who recently died at 74, was the former speaker of which state assembly? तो फ्रेंड्स, पी एच पांडियन जी का निधन हो गया, तो हमें बताना है कि ये कौन सी स्टेट के फॉर्मर स्पीकर थे स्टेट असेंबली के। तो फ्रेंड्स, ये थे तमिलनाडु के, तमिलनाडु। नेक्स्ट वन इज, कल्चरल फेस्टिवल लाय हरोबा इज बिंग सेलिब्रेटेड एट विच सिटी। तो फ्रेंड्स, जो कल्चरल फेस्टिवल है ये लाय हरोबा, हमें बताना है कि कौन सी सिटी में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है अगरतला में। अगरतला की बात करें तो एक फ्रेंड्स कहाँ की राजधानी है, त्रिपुरा की, त्रिपुरा। नेक्स्ट वन इज, हाउ मच लाइन ऑफ क्रेडिट वाज गिवन टू क्यूबा बाय इंडिया फॉर फाइनेंसिंग सोलर पार्क। तो फ्रेंड्स, भारत जो है फाइनेंस करने जा रहा है सोलर पार्क जो क्यूबा में, क्यूबा फ्रेंड्स कंट्री है एक, और जो उसकी कैपिटल है वो है हवाना, हवाना। तो हमें बताना है कि कितना पैसा क्यूबा को भारत दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये दे रहा है 75 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि लगभग हो गया 500 करोड़ रुपया भारत की अगर करेंसी में देखे तो, 500 करोड़ रुपया। और फ्रेंड्स, ये जो दे रहा है ये एक्सिम बैंक दे रहा है भारत का, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, और जिसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, मुंबई में। नेक्स्ट वन इज, 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट इज बिंग ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि 14वां ग्लोबल समिट कौन से शहर में आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये किया गया विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम फ्रेंड्स कहाँ, आंध्र प्रदेश में। नाउ नेक्स्ट वन इज, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू बी रैंक्ड वर्ल्ड नंबर वन इन अंडर 21 कैटेगरी। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जो भारत के टेबल टेनिस के प्लेयर हैं फर्स्ट बार पहले रैंक पे आए हैं अंडर 21 की कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स, ये हैं मानव ठक्कर जी। आपसे फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि मानव ठक्कर जी कौन से खेल से संबंध रखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, टेबल टेनिस। वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, 4th of Jan। विच कंट्री हैज अपॉइंटेड इस्माइल कानी एज द न्यू गुड्स फोर्स कमांडर ऑफ IRGC। तो फ्रेंड्स, अभी अभी आपने न्यूज में सुना होगा जो कसीम सुलेमानी थे उनका, जो अमेरिका ने अमेरिका अटैक में उनकी हत्या कर दी गई। तो फ्रेंड्स, अब ईरान ने जो है नए अपने कादी चुन लिए हैं, तो उनका क्या, उनका नाम है इस्माइल कानी जी। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है ईरान। और फ्रेंड्स, IRGC की बात करें, जो IRGC की होती है वो होती है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोप्स, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोप्स। विच इंडियन ऑलराउंडर हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, हाल ही में इस क्रिकेटर ने अपने सभी फॉर्मेट से, ऑलराउंडर थे भारतीय टीम के, तो उन्होंने संन्यास ले लिया। तो हमें बताना है कि ये कौन है, तो ये थे इरफान पठान जी। ये फ्रेंड्स, इन्होंने जो अपना लास्ट मैच खेला था वो खेला था फेब 2019 में, वो फ्रेंड्स डोमेस्टिक क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट से तो ये काफी टाइम से खेल नहीं रहे थे, बट इन्होंने अब सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स इनको इंजरी काफी रहती थी, इस वजह से इनको संन्यास लेना पड़ गया। Who won the Global Child Prodigy Award 2020? तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि ग्लोबल चाइल्ड प्रोडोगी अवार्ड किसने जीता। तो फ्रेंड्स, जीता सुचिता सतीश जी ने।
सुचेता सतीश। विच कंपनी विल बी मैन्युफैक्चरिंग एलईडी टीवी फॉर सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि कौन सी कंपनी है जो सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलईडी टीवी बनाएगी। तो फ्रेंड्स ये है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट वन इज टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर इज टू बी सेट अप इन विच स्टेट। तो फ्रेंड्स एक टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, इसमें क्या होगा, लगभग 1000 जिसमें टर्टल होंगे उनको शेल्टर दिया जाएगा, एक जगह दी जाएगी रहने के लिए। तो ये सेंटर बनाया जाएगा फ्रेंड्स बिहार में, बिहार में बनाया जाएगा। भीम चंद्र जना वाज अ फ्रीडम फाइटर हु रिसेंटली डाइड एट 107 ही बिलोंग टू विच स्टेट। तो फ्रेंड्स हाल ही में भीम चंद्र जना जी का निधन हो गया, तो हमें बताना है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे। और ये फ्रेंड्स एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, तो ये करते थे वेस्ट बंगाल से बिलोंग। वेस्ट बंगाल की बात करें फ्रेंड जो यहाँ के सीएम है वो है ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेनर्स रिसेंटली क्लाइम माउंट विंसन मैसिव। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि कौन से वो माउंटेनर्स है जिन्होंने अभी भी हाल ही में माउंट विंसन मैसिव को चढ़ाई फतेह हासिल की है। तो फ्रेंड्स ये हैं मल्होत्रा पूरन जी, मल्होत्रा पूरन जी। और फ्रेंड्स और जो ये बताना चाहूंगा ये यंगेस्ट गर्ल हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वहां पे चढ़ाई की थी। यंगेस्ट गर्ल 13th ईयर के लगभग इन्होंने चढ़ाई कर ली थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। और फ्रेंड्स माउंट विंसन मैसिव की बात करें तो ये अंटार्कटिका में है और जो उसकी हाइट है वो है 4987 मीटर्स। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये मल्होत्रा, ये आप याद रखना फ्रेंड्स ये। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द भारत दर्शन पार्क इन न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया हरदीप सिंह पुरी जी ने, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है। नेक्स्ट वन इज हमीद खान हु रिसेंटली पास्ड अवे एट 67 वाज अ फेमस पर्सन ऑफ विच फील्ड। तो फ्रेंड्स हमीद खान जी का निधन हो गया, तो हमें बताना है कि कौन से फील्ड में माहिर थे, तो ये थे सितारिश, ये सितार में थे फ्रेंड्स, सितार वादक थे ये, तो इनका नाम था हमीद खान जी। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, ऑर्नेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो हमें बताना है कि ऑर्नेटोलॉजी किसकी, किसका अध्ययन है। तो फ्रेंड्स ये है बर्ड्स का, बर्ड्स के अध्ययन को कहते हैं ऑर्नेटोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। जिस प्रकार आपको पता है कि हम रोज एक कंट्री करते हैं उसकी कैपिटल उसकी लोकेशन जानते हैं, तो फ्रेंड्स आज की जो कंट्री है वो युगांडा, युगांडा, युगांडा। और फ्रेंड्स युगांडा की बात करें जो उसकी कैपिटल है वो कंपाला, कंपाला, और जो करेंसी है वो शिलिंग, शिलिंग। एक फ्रेंड्स युगांडा होती है, एक होती है कंट्री रवांडा। ये दोनों काफी कंफ्यूजिंग कंट्री है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स गलत कर आते हैं। जो रवांडा है ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ अपनी वीडियोज में, जो उसकी राजधानी है वो किगाली, किगाली है फ्रेंड्स ये। और युगांडा ही क्या है कंपाला, और जो करेंसी है इसकी शिलिंग है, और जो रवांडा की करेंसी है वो है फ्रैंक, फ्रैंक। और फ्रेंड्स लोकेशन जो है ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, तो अफ्रीका में आती है, वेस्ट अफ्रीका में। और फ्रेंड्स जो रवांडा भी है वो भी गोरिल्लास के लिए मशहूर है, और जो युगांडा भी है वो भी गोरिल्लास के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। एक फ्रेंड्स यहाँ पे नेशनल पार्क है बवंडी, काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है फ्रेंड्स ये, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स ये। तो भिवंडी जो है ये गोरिल्लास के लिए बहुत मशहूर है युगांडा में। तो फ्रेंड्स ये याद रखना भिवंडी नेशनल पार्क कहाँ है, युगांडा में, कैपिटल कंपाला, करेंसी शिलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।